गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम घूमने आए हैं रानी तालाब, जो कि हमारे प्रयागराज में है। और ये आप देख सकते हो यहाँ का जो लोकेशन है। पहले लोग मतलब कहते थे कि यहाँ पर रानी राजा आते थे नहाने, और वो जो नदी है जिसमें नहाते थे वो मेरे पीछे है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो बना था पूरा, मतलब कि कमरा वगैरह, आज मैं सबको आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि यहाँ पर मतलब रास्ते में जा रहा था तो नीचे दिखा, मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यार ये रानी तालाब है, यहाँ पर मतलब पहले रानी लोग आती थी नहाने के लिए। तो वो नदी यही है हमारे पीछे, और यहाँ पर कुछ मतलब काफ़ी पुराना हो गया तो टूटा फूटा खंडर है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में। और चलते हैं वीडियो की ओर, और मैं आपको आज पूरा दिखाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसी नदी में मतलब जाने वाले हैं। यहाँ पर एकदम मतलब सीढ़ी बना है, ताकि मतलब रानी लोग जब नहाती थी तो सीढ़ी से उतर कर जाती थी। अभी हम चलते हैं पानी में, और यहाँ मतलब थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ाए तो फिसल के चले जाओगे अंदर। यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप है, और यहाँ का जो पानी है वो आप देख सकते हो यार, पूरा मतलब एकदम जैसे गंगा जी होता है पूरा वैसा पानी है। और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा अंदर चल के देख लिया जाए, पानी मतलब बिल्कुल ठंडा है, मतलब इतना धूप होने के बावजूद भी जो पानी है वो पूरा ठंडा है। और चलते हैं छत पे, तो वहीं से आपको पूरा दिखाने वाले हैं। सो अभी हम चलने वाले हैं छत पर, और छत पे चलने के लिए रास्ता होगा, चलते हैं इधर से, वो है छत। और आप देख सकते हो ये इधर से, आप वहाँ देख सकते हो उधर मंदिर भी बना है। और चलते हैं, यहाँ पर कुछ छत है, अरे यार मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था ये, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ से उतरने वाला हूँ, यहाँ का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार देखने में, बहुत ही ज़्यादा। और पानी देख सकते हो आप, इधर सूरज है। और मैं अभी दिखाता हूँ मतलब आगे से जो सेल्फी हैं अब छत की तरफ, यहाँ से देख सकते हो यहाँ से भी सीढ़ी है, और मैं इस पर चलने वाला हूँ यार। मतलब सीढ़ी वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ने की। ये आप देख सकते हो, अभी मैं यहीं से चढ़ूँगा, अभी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करना फेस पड़ रहा है। और अब मैं यहाँ से चढ़ने वाला हूँ, मेरी जो बाइक है वो देख सकते हो वो खड़ी है, वो दिख रही है जो मेरी बाइक, वहाँ पे मैंने खड़ी कर कर आया है। तो अभी मैं छत पे आ चुका हूँ, और इधर देख सकते हो पूरा मतलब जंगल। हम लोग छत पर आ चुके हैं, और अब मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा पूरा नज़ारा। ये आप देख सकते हो पूरा नज़ारा यहीं से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इधर देख सकते हो। सो जो हमने यहाँ पर आया, मतलब कि कुछ आइडिया नहीं था मेरा इस तरीके का ब्लॉग बनाने का, और मैंने मतलब जा रहा था रास्ते में, मुझे ये लोकेशन जो दिखा वो अच्छा लगा, मैंने सोचा यार क्यों ना ब्लॉग्स यहीं पर बना लिया जाए। तो अभी मैं आपको नीचे का साइड दिखाने वाला हूँ बैक कैमरे से। रूम वगैरह था, ये टूट चुका है तो अंदर पानी वगैरह भर गया है, और शायद इसके अंदर भी रूम था। मैं उधर सीढ़ी बना है वो देख सकते हो, वहाँ से उतर के देखता हूँ। तो यार इधर डर लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, अगर टूटेगा तो मैं सीधा नीचे जाऊँगा, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना कर ही सकता हूँ। तो अभी ये रहा सीढ़ी, और ये आप देख सकते हो ये मतलब पूरा जो है यहाँ पर पानी एनी टाइम, मैंने पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो पानी है वो अंदर आने की सीढ़ी आप लोग को दिख रही होगी, अभी हम वहाँ भी चलेंगे। और ये देख सकते हो
कुछ इस तरीके का है जो है बना था ये। और अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो यार ये जो है मेरा सेकंड व्लॉग है अभी, मतलब मैं उतने अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हो, ये मतलब इधर पूरा, ये शायद पहलवान साहब हैं, तो इनको नमस्कार मेरी तरफ से। बाइक के पास चल रहे हैं, वो रही मेरी बाइक, आपको दिखी वो मेरी बाइक है, मैंने बाइक को वहीं पर खड़ा किया था। तो ऐसे चलूँ नहीं गिर जाऊँगा यार, तो कपड़ा वगैरह ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है, मतलब कितना ज़्यादा गड्ढा है या नहीं है, और यहाँ पे मतलब काई वगैरह भी जमा है। तो यार मैं इधर से नहीं जा सकता, मैं उधर ही से चल रहा हूँ बाइक के पास। तो हम बाइक के पास पहुँच गए हैं, और इधर का जो नज़ारा है वो ये है गेट। और यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर रामलीला होता है। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।